किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर जनरल चंद्रशेखर। आप सभी लोग कैसे हैं? सब आप सभी को मेरा प्यार भरे दोबारा से नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। और जो भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज किसान भाइयों हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो हमारे पशुओं को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाती है। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हमारे पशुपालक हैं, या जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, या दूध का प्रोडक्शन करते हैं। उनके लिए एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो बीमारी है थनैला। तो हमारे सारे किसान भाई जानते हैं कि पशुओं में थनैला बीमारी होती है और कितना ज़्यादा हानि पहुंचाती है, क्योंकि उसका मेन मकसद कितना भयंकर वो हानि पहुंचाती है वो हमारे पशु चालक जानते होंगे। तो इस बीमारी का क्या क्या लक्षण है, कैसे निदान पाया जाए और हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो हमारे किसान भाई सबसे पहले हम बताएंगे अगर आपके जो पशु के लक्षण कैसे दिखाई देंगे थनैला रोग के। तो हमारे किसान भाई मैं आज लक्षण बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके जो ऐन होता है गाय या भैंस का, वो आपका ऐन जो है कठोरपन हो जाएगा, थनों में सूजन आ पाई जाएगी, उसमें लालपन आ जाएगा। पशु को अगर आप दूध दोहते समय तो उसको दूध में जो दूध है उसमें भी बहुत सारे लक्षण होंगे। जो होगा एकदम ऐन होगा, वो पत्थर की तरह हल्के कठोर हो जाएगा, लकड़ी की तरह आपका जो थन वो भी दिखाई लगने लगेगा। उसके लिए आप अगर दूध ज़्यादा ये स्टेज में पहुंच जाता है तो थन में है जो दूध है बिल्कुल दही की तरह निकलने लगता है। इसके बाद जो अगर ज़्यादा और भयानक हो जाता है तो थन से हमारा खून भी निकलने लगता है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई क्या करें? तो किसान भाइयों सबसे पहले आप चुटकी विधि से बिल्कुल दूध ना दोएं, क्योंकि ये हमारे पशु चालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है। तो आप जो मेथड अपनाते हैं पूर्ण हस्त विधि, उससे दूध को अपनाएं, उसको दूध को निकालें, उससे आपको इस रोग से भी निदान पाया जा सकता है। इसके अलावा हमें उस अपने पशु जो पशुशाला होती है उसको सफाई बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। सफाई के लिए हम क्या क्या चीज़ डालें? तो किसान भाई सबसे पहले हमें प्रतिदिन सुबह या शाम एक दिन में एक बार ज़रूर हम उससे सफाई करनी चाहिए। लाल दवा या चूने से हमें उसको सफाई कर देनी चाहिए, अच्छे से धुलाई कर देनी चाहिए, जिससे ये हमारी जो बीमारी है पशुओं में ना लगे। अगर जिस पशु में ये बीमारी लग जाती है, सबसे पहले हम उस पशु को अलग कर देते हैं, अलग जगह पे बांध देते हैं। फिर हम उसको दूध देने से पहले, हमारे जो किसान भाई हैं दूध उसको देने से पहले जिस थन में लगा हुआ है उसका दूध पहले निकाल लेते हैं। इसके बाद हम 0.5% से अपने हाथ पोटेशियम परमैंगनेट से आप हाथ धुल लेते हैं। इसके बाद दूसरे थनों को दूध निकाला जाता है। अब दूध निकालेगा, अब जिस पशु में रोग हो या ना हो, इसके बाद दूध दूहने के बाद हमें कम से कम पशु को आध घंटा या एक घंटा खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम दूध निकालने के बाद उसके जो नलकाएँ होती हैं उसमें दूध में छेद होते हैं वो खुले रहते हैं। अब खुले रहने के कारण होता है कि उसमें हमारे वो अंदर चले जाते हैं और मिल्क फीवर का रोग फैला देते हैं। तो हमारे किसान भाई इन चीज़ों का बिल्कुल माने तो आपके काफ़ी हद तक जो निदान है पाया जा सकता है। इसके बाद हमारे किसान भाई हैं अगर ब्लैक फीवर हो जाता है तो सबसे पहले पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, अपने आप इलाज ना करें, नहीं अन्यथा आपको इसको गहरा घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों मैं फार्मर जनरल चंद्रशेखर ऐसी जानकारी के साथ बने रहिएगा।